दोस्तों अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज करते हो तब आपको सिंपली जिप फाइल और रार फाइल के बारे में पता होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जिप और रार फाइल के बारे में ही बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि जिप फाइल और रार फाइल होती क्या है। जिप और रार फाइल होती क्या है, बेसिकली जिप और रार फाइल को ऐसे समझ लो कि आपके कोई भी बहुत सारे वीडियोज़ या फोटोज कुछ भी उसके अंदर डाल के आप अपनी फाइल को वो कंपोज कर सकते हो, कम एमबी में कर सकते हो। इंटरनेट से आमतौर पर आप जो भी फाइलें डाउनलोड करते हो वो सारी जिप या रार फाइल के अंदर ही अवेलेबल रहेगी, जिससे आपको क्या है एमबी की है वो बचत हो जाए। तो आप जिप और रार फाइल को पहचानोगे कैसे, तो आप जैसे ही देखते होंगे कि लास्ट के अंदर यदि जिप लिखा होता है तो यानी वो जिप फाइल के अंदर है, यदि लास्ट में रार लिखा होता है डॉट करके तो यानी वो रार फाइल के अंदर है। तो बेसिकली इनकी ये पहचान हो गई। और अब हम लोग अपने खुद के कंप्यूटर में जिप और रार फाइल कैसे बनाएंगे, जिप और रार फाइल के कैसे पासवर्ड लगा सकते हैं, वो सारे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली हम लोगों ने जान लिया कि जिप फाइल और रार फाइल का यूज़ कहाँ पे होता है, और ये ज़्यादातर है वो इंटरनेट से हम लोग जो भी फाइलें डाउनलोड करते हैं वो जिप और रार फाइल के अंदर ही डाउनलोड करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जिप और रार फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं कि हम लोग खुद वो जिप या रार फाइल को कैसे क्रिएट करेंगे वो इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों कैसे करते हैं वो इस वीडियो के अंदर जानते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जिप और रार फाइल को एक क्रिएट करके देखते हैं। दोस्तों जिप या रार फाइल बनाने के लिए या जिप या रार फाइल को ओपन करने के लिए आपको सिंपली एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वो डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जिप फाइल और रार फाइल को कैसे बदल सकते हो। सिंपली मान लो कि ये एक मेरा फोल्डर है जो आप देख पा रहे हो कि 100 MB का फोल्डर है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और एड टू वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली जो फर्स्ट ऊपर वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। रार फाइल डायरेक्ट यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ सेंड टू जाके, और यहाँ पे आप जिप फाइल है वो डायरेक्ट बना सकते हो। लेकिन यदि रार फाइल बनानी है तो उसके लिए आपको इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। जो सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, एड टू रिचीव पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तब आपके सामने आ जाएगा कि आपको सिंपली कौन सा फॉर्मेट है वो चाहिए, रार फाइल चाहिए या जिप फाइल चाहिए, यहाँ से आपको सिंपली वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप नीचे देख रहे हो सेट पासवर्ड, तो यहाँ से आप वो पासवर्ड भी सेट कर सकते हो। तो ध्यान रहे मैं एक ही चीज़ में दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, यहाँ से आप रार फाइल भी बना सकते हो, जिप फाइल भी बना सकते हो, और पासवर्ड यहाँ से वो डायरेक्ट सेट कर सकते हो। तो सिंपली मैं अभी रार फाइल बना रहा हूँ, तो इस फोल्डर को मैंने नाम दे दिया न्यू फोल्डर रार फाइल डॉट रार। तो सिंपली ये डॉट रार लास्ट में आ गया, मतलब रार फाइल है। यदि जिप करता हूँ तो डॉट जिप आ जाएगा, मतलब ये जिप है। तो इस तरीके से हम लोग है वो पहचान कर सकते हैं। तो अब मैं सिंपली रार फाइल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो अब मैं इसको क्लिक ओके कर देता हूँ। जैसे मैं ओके करूँगा तो प्रोसेस चलेगा थोड़ी देर और ये फाइल है वो रार फाइल के अंदर है वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 या 3 सेकेंड या 4 सेकेंड के अंदर है वो फटाफट कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए ये कन्वर्ट हो चुका है, नीचे आप देख पा रहे होंगे। तो अभी ये 100 MB का है, अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये कितने का हो गया, यानी 100 MB से कम हो गया। तो बेसिकली हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं कि हमारी फाइल है वो कंपोज हो जाती है, इससे डेटा है वो बचता है। तो अब सिंपली आप इसको ओपन कर सकते हो। जैसे आप ओपन कर रहे हो देखो, आप इस तरीके से वो ओपन कर सकते हो। यदि जिप फाइल और रार फाइल को ओपन करने के लिए भी आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, वो सॉफ्टवेयर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट वो डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ से सिंपली उसको नॉर्मली फोल्डर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे कोई भी आपको फाइल है वो सेलेक्ट कर देनी है और ओके कर देना है, तो ये नॉर्मल फाइल में वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी फाइल को जिप या रार फाइल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे आपकी जो भी फोल्डर्स है उसमें बहुत सारी फोटोज़ है या वीडियोज़ है वो कंपोज हो जाएंगे, एमबी कम हो जाएगी, जिससे आपके डेटा है वो बचेंगे, जिससे आप किसी भी अपने फ्रेंड को या इंटरनेट से किसी को भी भेजते हो तो जिप या रार फाइल के अंदर ही कन्वर्ट करके भेजते हैं ज़्यादातर, क्योंकि इससे हमारी एमबी की वो बचत होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।